शॉपिंग डे टू ऑल। और मैं आज बहुत खुश हूँ, आज हम सब लोगों ने आज भारत का 72वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया एंड साथ में आप सब लोगों का सक्सेस सेलिब्रेशन किया। एंड मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बधाई जिन्होंने 2021 GD को क्वालिफाई किया है, फेज 2 को क्वालिफाई किया है और मेडिकल की तरफ आगे बढ़ गए हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में, आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा कंप्लीट एंड आप लोग 2021 में अपने अपने जॉब पे जाएंगे विद ट्रेनिंग, राइट। सो आप इस सारी सफलता का जो श्रेय जाता है वो आप लोगों को जाता है। अगर आप लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता, राइट, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाय सर, मजा आ रहा है? यस सर, दिल्ली आ रही है? यस सर, क्या मैं पार्टी? सो नो डाउट वी आर वेरी लकी एंड दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि जहां पे आप सभी बच्चे हमारे बीच में और हम सब लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और एक इतिहास क्रिएट कर चुके। सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों के होते हैं बट रेशियो कितना ज्यादा है। हमने सुपर 30 बैच बनाया था, सुपर 30 में हमारे 25 बच्चे सेलेक्ट हुए, अपने आप में एक कीर्तिमान है, यानी 80% से ज्यादा रिजल्ट। और अगली बार ये रिजल्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे 100%, जैसा कि सपना है सुपर 30, मतलब सुपर 30 ही होगा, राइट। इस बार कुछ चीजें रही उनपे काम करके हम लोग बहुत बेहतरीन रिजल्ट डेफिनेटली देंगे, राइट। सो हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर। एंड इस मोमेंट पे मैं आज थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मैं डिफेंस से मेडिकली एनफिट हुआ था और चूंकि मैं खेरिया मोड़ रहता हूँ और मेरे पास में एयरफोर्स है तो बचपन से मैं जहाजों को उड़ते हुए देखता था। दिन वो आएगा जब मैं एयरफोर्स में सर्विंग करूंगा, तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो मुझे समझ में आता गया कि यार एयरफोर्स में नौकरी करना मतलब डिसिप्लिन लाइफ, एयरफोर्स की लाइफ स्टाइल, एयरफोर्स की वर्दी वो मतलब अमेजिंग है, उसका पैसे से कभी तुलना की ही नहीं जा सकती। और जब हम बात करते हैं देश सेवा का, तो देश सेवा को एक ऐसा मौका है कि हर व्यक्ति को मिले तो उसे लेना चाहिए। तो जब 2008 में और 2009 में मैंने एयरफोर्स एक्स्ट्रा क्वालिफाई किया था, परमानेंट मेडिकली एनफिट हुआ, अरमान टूट गए, राइट, फिर भी नहीं माना। तो 2009 में फिर मैंने दोबारा क्वालिफाई किया और फिर दोबारा परमानेंट मेडिकली एनफिट किया गया। तो बात समझ में आई कि मनोज तुम्हारे लिए जॉब नहीं है क्योंकि तुम डिफेंस के लिए नहीं बने हो। तब उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं डिफेंस में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन देश सेवा इस तरह से नहीं, देश सेवा इस तरह से भी हो सकती है। अब से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफेंस में भेजूंगा और तब से मैंने काम करना शुरू किया और तब से लेके आज तक हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफेंस में भेज चुके हैं और रिजल्ट आपके सामने है। एंड उस जर्नी में मेरे साथी बने राहुल शर्मा सर और हमने मिलकर के खेरे मोड़ पे काम किया और 2-3 साल लगातार काम करके नेवी में, एयरफोर्स में बहुत जगह अलग अलग सिलेक्शन दिए। और सिलेक्शन देने के बाद में आज अगर सिलेक्शन की बात करें तो 800 से भी ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो चुके हैं, राइट। और भगवान टॉकिज पे ये सेकंड बैच है, पिछले बैच का भी रिजल्ट हमारा 70-75% किया था, इस बार का रिजल्ट 80% प्लस का है। और मैं कमिट करता हूँ आप लोगों से अगला रिजल्ट 100% जाएगा। अगला रिजल्ट के लिए जीतोड़ मेहनत करूंगा और देश सेवा करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के साथ में। एंड आप लोग आए और आप लोग ने मेहनत की और टीचर वैसे ज्यादा कुछ नहीं करता, टीचर सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है और मार्गदर्शन करने के साथ साथ मेहनत तो स्टूडेंट्स को ही करनी होती है। आप लोग अगर मेहनत नहीं करते, आप लोग अगर गाइडेंस को फॉलो नहीं करते तो शायद ये मंजर नहीं आ पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में नहीं आए, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। एंड पूरा एमबी एजुकेशन एंड एमबी इंग्लिश एकेडमी भगवान टॉकीज आप सभी लोगों का अभिनंदन करती है और अब हम करने वाले हैं पार्टी। सो पार्टी के लिए तैयार है? यस सर, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।